नमो नमः। अहम संदीप कुमार मिश्रः, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कंथवार, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। अद्य वयम् सेमुषी इति नवम कक्षायाः पुस्तकम् अस्ति, तस्याः षष्ठः पाठः भ्रांतो बालः इति पाठं पठामः। भ्रांतो बालः इत्यस्य अर्थः भ्रमितः बालः, एक ऐसा बालक जो यह नहीं समझ पा रहा है कि मुझे क्या कार्य करना चाहिए, मेरे लिए कौन सा कार्य सही रहेगा, ऐसा भ्रमित बालक। तो आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पाठ की प्रस्तावना को समझेंगे। पाठ की प्रस्तावना में क्या लिखा है देखिए। प्रस्तुतोयम् पाठः संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इति कथा संग्रहात् संपादनम् कृत्वा संगृहीतोऽस्ति। प्रस्तुत यह पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली ही इति कथा संग्रहात्, इस कथा संग्रह से संपादित करके संगृहीत किया गया है। अस्याम कथायाम, इस कथा में एकः तादृशः बालः, एक ऐसा बालक चित्रितोऽस्ति, चित्रितः धन अस्ति, चित्रितोऽस्ति विसर्ग संधि ही और पूर्व रूप यहाँ दोनों संधियां हैं, ये ध्यान रखना है। तो एक ऐसे, इस कथा में एक ऐसे बालक का वर्णन किया गया है, यस्य रुचि ही, जिसकी रुचि स्वाध्याय अपेक्षया दीर्घ स्वर संधि ही, अध्ययन की अपेक्षया पढ़ाई की अपेक्षा क्रीडने अधिका भवती, यानी खेलने में अधिक होती है। सह सर्वदा, वह हमेशा ही क्रीडनार्थमेव, खेलने के लिए ही अभिलषति, इच्छा करता है। परंच यहाँ व्यंजन संधि है, तस्य यानि उसके, सखायः यानि मित्र, स्वस्वा कर्मणि संलग्ना भवन्ति, अपने अपने कर्म में संलग्न रहते हैं, लगे हुए रहते हैं। अस्मात् कारणात्, इस कारण से, ते अनेन सह न क्रीडन्ति, वे इसके साथ नहीं खेलते हैं। अतः एकाकी सह, इसलिए वह बालक अकेला, नैराश्यम प्राप्य, निराशा को प्राप्त करके, प्राप्य प्रधन प्र उपसर्ग पूर्वक, आप धातु है, ल्यप प्रत्यय है, प्राप्य ने प्राप्त करके, निराशा को प्राप्त करके, विचिन्तयति सोचता है, यत स एव रिक्तः सन् इतस्ततः भ्रमति, वह ही रिक्तः सन् खाली होकर इधर उधर घूम रहा है। कालांतरे बोधो भवति, कुछ समय के बाद उसे पता चलता है, यत सर्वेपि, कि सभी लोग स्वस्व कार्यम कुर्वन्तः, यहाँ ध्यान रखना है सर्वेपि, सर्वे धन अपि, यहाँ पूर्व रूप संधि है, यहाँ विसर्ग संधि नहीं है, ये ध्यान दें। जिस प्रकार से चित्रितोस्ति में भी अवग्रह है, इसलिए चित्रितोस्ति में तो पूर्व रूप और विसर्ग संधि दोनों हैं, इस तरह से सर्वेपि में केवल पूर्व रूप संधि है, यहाँ विसर्ग संधि नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो स्वस्व कार्यम कुर्वन्तः, इस प्रकार से सभी अपने अपने कार्य को कर रहे हैं, जिस यत सर्वेपि, सभी लोग स्वस्व कार्यम कुर्वन्तः संति, अपने अपने कार्य को कर रहे हैं। अतो मयापि, इसलिए मयापि, मुझे भी, तदेव कर्तव्यम, वह ही करना चाहिए, येन मम कालः सार्थकः स्यात्, जिससे जो मेरा समय है वह सार्थक हो, इस प्रकार से वह बालक ऐसा सोचता है, ऐसी प्रस्तावना है पाठ की। आगे हम पाठ को पढ़ेंगे। पाठ में क्या लिखा है देखिए। भ्रांतः कश्चन बालः, भ्रमित कोई बालक पाठशाला गमन वेलायाम, विद्यालय जाने के समय में क्रीडितुम अगच्छत, खेलने के लिए आ जाता था, यानी खेलने के लिए चला जाता है। क्रीडितुम, क्रीड धातु से तुमुन प्रत्यय है, क्रीडितुम अगच्छत, खेलने के लिए चला गया। किंतु तेन सह, परंतु उसके साथ, केलिभिः कालम क्षेप्तुम, यानी उसके साथ केलिभिः का अर्थ है क्रीडार्थम, यानी क्रीडा के लिए, कालम क्षेप्तुम समय बिताने के लिए, तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत, उस समय कोई भी उसकी उम्र का उपलब्ध नहीं था। यतः ते सर्वेपि,
क्योंकि वे सभी ते सर्वे यानी वे सभी पूर्व दिन पाठान पिछले दिन के पाठ को स्मृत्वा, स्मृ धातु है, त्वा प्रत्यय है, यहाँ भी क्षिप धातु है और तुमुन प्रत्यय है, तो स्मृत्वा पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा पूर्व दिन के पाठ को स्मरण करके विद्यालय गमनाय विद्यालय जाने के लिए त्वरमाणाः अभवन। त्वरमाणाः त्वर धातु है, शानच प्रत्यय है, त्वरमाणाः अभवन यानी विद्यालय जाने के लिए जल्दी जल्दी कर रहे थे। तंद्रालुहु बालः, परंतु वह जो बालक था, तंद्रालुहु यानी वह आलसी बालक, लज्जया लज्जा से शर्म से, तेषां दृष्टिपथम अपि परिहरन यानी उनकी दृष्टि से बचते हुए परिहरन, एकाकी अकेले ही किमपि उद्यानम प्राविशत, किसी बगीचे में प्रवेश करता है। फिर क्या लिखा है देखिए, सह अचिंतयत, वह सोचता है, विरमन्तु एते वराकाः पुस्तक दासाः, ये जो वराकाः यानी उन्हें अपशब्द कहता है कि अरे वे जो नीच पुस्तक के दास हैं, पुस्तक में ही हमेशा लगे रहते हैं, वो विरमन्तु वे यहीं रहें, अहम तु आत्मानं मैं तो अपने आप को विनोदयिष्यामि, मैं तो अपने आप को आनंदित करूंगा, कैसे करूंगा, तो क्या कहता है, संप्रति विद्यालयं गत्वा, अभी विद्यालय जाकर के, भूयः क्रुद्धस्य हमेशा ही क्रोधित रहने वाला, भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि, हमेशा ही संप्रति यानी इस समय विद्यालय जाकर के हमेशा ही क्रोधित रहने वाले उपाध्याय का मैं मुख नहीं देखना चाहता हूँ। क्या लिखा है, नैव इच्छामि, न धन एव नैव, यहाँ वृद्धि स्वर संधि है, नहीं देखना चाहता हूँ। एते निष्कुटवासिनः प्राणिनेव मम वयस्याः सन्तु इति, एते यानी ये निष्कुटवासिनः, वृक्ष में रहने वाले, वृक्ष के कोटर में रहने वाले प्राणी ही मेरी उम्र के हैं, इस प्रकार से वह बालक सोचता है। इसके बाद क्या लिखा है देखिए, अथ सः पुष्पोद्यानम व्रजन्तम्, अथ सः पुष्पोद्यानम व्रजन्तम्, और वह पुष्पोद्यान में व्रजन्तम् घूमते हुए मधुकरम दृष्ट्वा, भवरे को देख करके, दृष्ट धातुः त्वा प्रत्यय दृष्ट्वा, देख करके, तम क्रीडितुम उसको खेलने के लिए, द्वित्रिवारम आह्वयत, दो तीन बार उस भवरे को बुलाता है। क्या कहता है, तथापि यहाँ दीर्घ स्वर संधि है, सह मधुकरः वह भवरा अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान, जब वह बालक बार बार भवरे को बुलाता है तो वह बालक इसकी बात को नहीं सुनता है, तिरस्कार कर देता है, उसका अपमान कर देता है। ततो भूयो भूयः, उसके बाद भी वह बालक बार बार हठम आचरती, बार बार बुलाता है कि आओ मेरे साथ खेलो। बाले सह मधुकरः अगायत, उसके बाद वह भवरा कहता है, क्या कहता है, अगायत ने गाता है, क्या कहता है, वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति, अरे हम सभी पुष्प के रस को लेने में व्यस्त हैं, व्यग्र हैं, अर्थात हम लोग शहद को लेने में, मधु यानी शहद रस से संबंधित है, पुष्प के रस को लेने में व्यस्त हैं इति, ऐसा वह भवरा कहता है। तदा सबालः, तब वह बालक अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, इस झूठे और अहंकारी कीड़े से तो बोलना ही बेकार है, अलम भाषणेन भाषण करना ही बेकार है। इति विचिन्त्य, ऐसा सोचकर, अन्यत्र दत्त दृष्टि ही, दूसरे जगह अपनी दृष्टि को प्रसारता है, दूसरी जगह देखता है। चंचु उकारांत शब्द की तृतीय विभक्ति है, चंचवा यानी चोंच से तृणशलाकादिकम, घास की एक छोटी सी लकड़ी को लेकर के, आददानम यानी लेकर के, एकम चटकम अपश्यत, एक चिड़िया को देखता है। चटकम यहाँ पुल्लिंग शब्द है, तो चिड़िया चिड़ा को देखता है।
चिड़िया को देखता है। अवदत् चारु बोलता है, अय चटक पोत, अरे पक्षी, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि। मैं मनुष्य मैंने मैं मनुष्य हूँ और मेरा क्या तुम मित्र बनोगे। एहि क्रीडाव, आओ क्रीडाव, हम दोनों खेलते हैं। तत् शुष्कम तृणम त्यज, उस सूखे तृण को छोड़ दो, सूखा जो घास का टुकड़ा तुमने अपने मुंह में रखा हुआ है उसे तुम छोड़ दो। स्वादूनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि, मैं तुम्हें स्वादयुक्त भक्ष्य कवलानि खाने के लिए दूंगा। ते दास्यामि, तेने तुम्हें दूंगा, तुम्हारे लिए दूंगा। यहाँ ते जो शब्द है तुभ्यम ते, चतुर्थी विभक्ति अंत है, तो ते शब्द का प्रयोग है तुम्हारे लिए दूंगा। इति सतु मया वटद्रुमस्य शाखायाम नीडम कार्यम। वह चटका कहता है, क्या कहता है, मुझे तो बरगद के पेड़ में, बरगद के पेड़ की शाखा में घोंसला बनाना है। इत्युक्त्वा, इति धन उक्त्वा, यणस्वर संधि, ऐसा कहकर स्वकर्म व्यग्रो अभवत, अपने कर्म में लग जाता है, वह चटका चला जाता है। तदा खिन्नो बालः, इसके बाद क्या है देखना है यहाँ, तदा खिन्नो बालः एते पक्षिणः मानुषेषु नोपगच्छन्ति। मधुकर भी, भंवरा भी उसे मना कर देता है खेलने से, पक्षी चिटका चिड़िया है वह भी मना कर देती है, तो वह बालक क्या कहता है, तदा खिन्नो बालः, वह दुखी बालक, एते पक्षिणः, ये पक्षी, मानुषेषु नोपगच्छन्ति, मनुष्यों के पास नहीं आते हैं, न उपगच्छन्ति, नोपगच्छन्ति गुण स्वर संधि ही। तद अन्वेषयामि अपरम मानसोचितम विनोदयितारम, तब तक मैं किसी दूसरे को ढूंढता हूँ, मानुषोचितम, जो मनुष्य के लिए उचित हो, विनोदयितारम, खेलने के लिए। इति विचिन्त्य, ऐसा सोचकर, पलायमानम, पलायमानम, भागते हुए, कमपि श्वानम, किसी कुत्ते को अवलोकयत, देखता है, प्रीतो बालः, प्रेमपूर्वक वह बालक, तम इत्थम समबोधयत, उसे इस प्रकार से संबोधित करता है, उस कुत्ते को इस प्रकार से संबोधित करता है, क्या कहता है, रे मानुषाणाम मित्र, अरे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसि अस्मिन्, यहाँ क्यों घूम रहे हो, किम पर्यटसि अस्मिन् निदाघ दिवसे, इस गर्मी के समय में, निदाघ दिवसे, ग्रीष्म के दिन में, इतनी गर्मी है और इतनी गर्मी में किम पर्यटसि, कहाँ घूम रहे हो। इदम् प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व, यह छाया से युक्त शीतल ने पेड़ के नीचे आश्रय लो, यह जो पेड़ है इस पेड़ की छाया में आओ, ठंडी छाया में, और आश्रय लो, यहाँ बैठो। अहम अपि क्रीडा सहायम, मैं भी तुम्हारी, तुम्हारे साथ खेल, क्रीडा सहायम यानी अहम अपि, मैं भी क्रीडा सहायम, खेलने की सहायता, त्वामेव अनुरूपम पश्यामि, त्वाम एव अनुरूपम, दीर्घस्वर संधि है यहाँ, त्वाम एव अनुरूपम, त्वाम एव अनुरूपम पश्यामि, मैं भी तुम्हें खेल, अपने साथ खेलने के लिए तुम्हें ही अनुरूप देखता हूँ, मतलब तुम ही मेरे साथ खेल सकते हो, ऐसा मैं देखता हूँ। कुक्कुरहा प्रत्यवदत, कुक्कुरहा नाम शुनकहा, कुत्ता प्रत्यवदत, बोलता है, प्रतिधन अवदत, यणस्वर संधि ही, बोलता है, क्या बोलता है, क्या कहता है, यहाँ देखना है। यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान्न मया भ्रष्टव्यम ईषदपि। क्या अर्थ है, यो माम पुत्र प्रीत्या, जो मुझे पुत्र के समान स्नेह करता है, क्या कह रहा है, यो माम पुत्र प्रीत्या, जो मुझे पुत्र के समान प्रेम करता है, तस्य स्वामिनो गृहे, उस स्वामी के घर में, जो मुझे पुत्र के समान मेरा पालन पोषण करता है, उस स्वामी के घर में रक्षा नियोग करना, तो रक्षा के कार्य से लगा हुआ मैं, रक्षा के कार्य से मैं लगा हुआ हूँ, तो क्या कहता है, न मया भ्रष्टव्यम ईषदपि, मया ईषदपि न भ्रष्टव्यम, मैं एक क्षण के लिए भी यहाँ से अलग नहीं होऊंगा, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, इस प्रकार से वह
शुनकः कहता है, कुत्ता कहता है। क्या लिखा है? सर्वैः एवं निषिद्धः, जब सभी इस प्रकार से खेलने से मना कर देते हैं, सबालो भग्न मनोरथः, वह बालक भग्न मनोरथः, उसका जो मनोरथ था वह टूट जाता है, उसकी जो इच्छा थी वह टूट जाती है। सन भग्न मनोरथ होते हुए कथम अस्मिन् जगति, इस संसार में कैसे प्रत्येकम स्व स्वकार्ये निमग्नो भवति, प्रत्येक व्यक्ति किस प्रकार से अपने अपने कार्य में मग्न है। न कोऽपि मामेव वृथा कालक्षेपम सहते, उस बालक को समझ में आ जाता है कि इस संसार में सभी व्यक्ति अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। न कोऽपि मामेव वृथा कालक्षेपम सहते, कोई भी व्यक्ति मेरे जैसे वृथा यानी व्यर्थ ही समय को व्यतीत कर रहा है। नमः एतेभ्यः, यहाँ भी विसर्ग संधि है, नमः एतेभ्यः अलग अलग होगा, तो ऐसे लोगों को नमस्कार है। यही ही मे यानी जिन लोगों ने मेरा तंद्रालुतायाम आलस्य में कुत्सा समापादिता, घृणा को उत्पन्न कर दिया है। क्या अर्थ हुआ? अभी तक मैं आलसी था, परंतु उस आलस्य में अब मुझे घृणा हो रही है कि मैं ही केवल यहाँ व्यर्थ घूम रहा हूँ और प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ जिन्होंने मेरे इस आलस्य को समाप्त कर दिया। अथ स्वोचितम अहम अपि करोमि स्वधन उचितम, अब मैं भी अपने लिए उचित करूँगा, जो मेरे स्व उचितम यानी अपने लिए उचित, अहम अपि करोमि, जो मेरे लिए उचित होगा मैं भी अपने लिए करूँगा। इति विचार्य, ऐसा विचार करके त्वरितम शीघ्र ही जल्दी ही पाठशालाम अगच्छत, पाठशाला को आ जाता है। ततः प्रभृति, उसके बाद स विद्या व्यसनी भूत्वा, विद्या व्यसनी, विद्या का व्यसन करने लगता है, अर्थात बार बार उस वह विद्या का अध्ययन करने लगता है। भूत्वा विद्या व्यसनी भूत्वा, विद्या यानी पढ़ाई करने लगता है, पढ़कर भूत्वा यानी पढ़कर, महतीम वैदुषीम यानी महान विद्वान हो जाता है। प्रथाम यानी प्रसिद्धि, संपदम च अलभत, प्रसिद्धि को प्राप्त करता है तथा संपत्ति को भी प्राप्त करता है। इसलिए हम सभी विद्यार्थियों को अपने समय का अच्छे प्रकार से सदुपयोग करना चाहिए, व्यर्थ ही इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। इस प्रकार से भवताम एषः पाठः समाप्तः।